चलिए कुछ और खबरों का रुख करते हैं। शिमला में कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान एक हादसा हो गया। दरअसल जब कार्यकर्ता केंद्र सरकार का पुतला फूंक रहे थे तो वे भी आग की चपेट में आ गए। कैसे यह हादसा हुआ ये रिपोर्ट देखिए। शिमला में डीसी दफ्तर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठा तो हुए थे पीएम मोदी का पुतला फूंकने, लेकिन आग लगाते ही वही पुतला कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए आफत बन गया। दरअसल पुतले पर पेट्रोल डाला गया था और जैसे ही पुतले को जलाया गया आग उम्मीद से ज्यादा भड़क गई, जिसने एक महिला कार्यकर्ता समेत दो कार्यकर्ताओं को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि महिला कार्यकर्ता के कपड़ों में लगी आग तुरंत बुझा दी गई, लेकिन दूसरे कार्यकर्ता का हाथ और चेहरा बुरी तरह झुलस गया। गंभीर हालत में कार्यकर्ता को IGMC में भर्ती कराया गया जहां उसका इलाज चल रहा है। कई बार ऐसी घटनाएं उत्साह में होकर हो जाती है जब वो करते हैं, उस बारे में उसका पूरा उपचार के लिए उन्हें भेज दिया गया और जल्दी वो ठीक हो जाएगा। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में किए जा रहे इस प्रदर्शन में पार्टी के कई विधायक और कई बोर्डों के चेयरमैन भी शामिल थे। मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शिमला। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनावों के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है। 15 से 17 दिसंबर तक पर्चे भरे जाएंगे। 18 दिसंबर को नामांकन पत्रों की समीक्षा होगी और 21 दिसंबर नाम वापस लेने की आखिरी तारीख होगी। तो आज से नामांकन शुरू हो रहा है। आपको बता दें कि 15 से 17 दिसंबर तक पर्चे भरे जाएंगे, 18 दिसंबर को नामांकन पत्रों की समीक्षा होगी और 21 दिसंबर नाम वापस लेने की आखिरी तारीख। उधर शिमला आने वाले सैलानियों को अब किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये दावा कर रही है यहाँ की पुलिस। इसके लिए पुलिस ने एक खास तरह की पहल की है जिसे लेकर सैलानियों में काफी खुशी नजर आ रही है। इस बार जब आप पहाड़ों की रानी के दीदार को आए तो पुलिस आपके स्वागत में पलक पावड़े बिछाए खड़ी हो तो आपको कैसा महसूस होगा? बेशक आप खुद को किसी VIP से कम नहीं समझेंगे। यही एहसास करवाने के लिए शिमला आने वाले सैलानियों का पुलिस मुख्य द्वार पर स्वागत कर रही है और शहर में दाखिल होने से पहले ही उन्हें यातायात की नियमों, पार्किंग व्यवस्था, टूरिस्ट गाइड्स, होटल और अन्य जरूरी जानकारियां उपलब्ध करवा रही है। इतना ही नहीं, सैलानियों को फर्जी गाइड्स और चोरों से भी सावधान रहने के टिप्स दिए जा रहे हैं। इसके लिए पुलिस ने 100 नंबर के अलावा 0177-265-1850 नंबर भी जारी किया है जिस पर सैलानी किसी भी तरह की शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। हम इनको ये भी आगाह कर रहे हैं कि किसी प्रकार का शिमला में कोई समस्या इनको आता है तो वो 100 नंबर पे डायल करें। अगर ट्रैफिक से रिलेटेड कोई समस्या इनको आता है तो ट्रैफिक कंट्रोल रूम का हम लोग नंबर दे रहे हैं 1017726518 पे डायल करें और किसी प्रकार का कोई भी समस्या आए तो वो किसी सीनियर अफसर से भी बात कर सकते हैं। शिमला पुलिस की इस आवभगत को देख सैलानी खुश तो हैं, साथ ही हैरान भी हैं। उनका कहना है कि सख्ती के लिए जानी जाती पुलिस का ये चेहरा काबिले तारीफ है। अच्छा लगा, मतलब इन्होंने गाइड किया कि टूरिस्ट से पहले ऐसा कभी देखा तो नहीं है। वैसे यहाँ देख के बड़ा अच्छा लग रहा है कि काफी पुलिस गाइड कर रही है, नहीं तो यही होता था कि ज्यादातर के चलान ही काट दिया जाता था, तो गाइड कर रही है तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और ऐसा हमको वेलकम नहीं मिला था तो ये पहली बार है कि हम ऐसे वेलकम किया जा रहा है। शिमला पुलिस अपनी इस पहल के लिए खूब वाहवाही बटोर रही है, तो आप भी अगली बार जब शिमला आएं तो पुलिस की हिदायतों पर खास ध्यान दें ताकि बिना किसी परेशानी के आप अपने टूर को पूरी तरह से एंजॉय कर सकें। मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शिमला।